Hi guys, welcome back to our channel. आज का वीलॉग है सेंट मॉरिस के एक और फेमस की डेस्टिनेशन कॉर्विग्लिया के बारे में। कॉर्विग्लिया माउंटेन को बर्थ प्लेस ऑफ अल्पाइन विंटर स्पोर्ट्स भी माना जाता है। बसेस 106 आपको कॉर्विग्लिया फनिकुलर के पास ड्रॉप करती हैं। यहां से आप फनिकुलर लेके कॉर्विग्लिया के लिए आ सकते हैं। कॉर्विग्लिया विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए फेमस है और इस माउंटेन में काफ़ी सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड विंटर ओलंपिक्स के इवेंट्स हो चुके हैं। कॉर्विग्लिया का फनिकुलर शहर के बीचों बीच है। अगर आप यहां बस से आ रहे हैं तो आपको स्कूल हाउस प्लास स्टॉप पर उतरना होगा। कॉर्विग्लिया फनिकुलर से आपको पूरा सेंट मॉरिस दिखता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से पता होगा कि सेंट मॉरिस विंटर टूरिज्म का बर्थ प्लेस है और ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1865। यहाँ सेकंड विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट हुआ था इन द ईयर 1928। यहाँ आप समर में आए या विंटर में, टू मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर विंटर क्लोथिंग एंड विंटर शूज और सनस्क्रीन और सनग्लासेस ना भूलें। दो फनिकुलर लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कॉर्विग्लिया। यहाँ स्की रेंटल शॉप है और जैसे ही आप फनिकुलर से एग्जिट करें तो आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। कॉर्विग्लिया से पिट्सनायर जाने के लिए आपको केबल कार लेना होता है। यहाँ समर में भी बर्फ होती है और ये जगह 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल है। हम अब जा रहे हैं केबल कार की तरफ। वी आर गोइंग टू ट्राई अवर लक। काफ़ी लेट हो चुका है। लेट्स सी इफ वी कैन गो टू पिट्सनायर। पिट्सनायर के लिए लास्ट केबल कार शाम के 4 बजे होती है ड्यूरिंग विंटर्स। उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्टोरेंट में बैठे और वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटोज़ खींचे और उसके बाद वापस नीचे आ गए। अगर आपको स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। वापस सेंट मॉरिस सिटी में आने के बाद हम वॉक करते हुए सेंट मॉरिस लेक की तरफ गए और इवनिंग हमने वहाँ स्पेंड की। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक लेक है जो कि पूरा फ्रोजन है। इस लेक का नाम है सेंट मॉरिस लेक। अगर आपको ये छोटा सा वीलॉग पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड द नेक्स्ट वीलॉग इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम अ ब्यूटीफुल स्की टाउन ऑफ स्विट्जरलैंड।